हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतमाला प्रोजेक्ट पर पहली बार उतरे थार नगरी धरा पर फाइटर प्लेन मेक सुखोई और हरक्यूलेस पाकिस्तान बॉर्डर के पास हुई रिहर्सल। भारत पाक बॉर्डर पर थार नगरी बाड़मेर जालौर जिले की सीमा पर अग्रावों में बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन गुरुवार को किया जाएगा। इससे पहले बुधवार को यहां रिहर्सल के तौर पर 3 फाइटर प्लेन उतारे गए। इसके लिए सुबह एयरफोर्स अधिकारियों की निगरानी में सुबह सबसे पहले हरक्यूलिस प्लेन को उतारा गया। जानकारी के अनुसार भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर जालौर की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। ये एयर स्ट्रिप पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बुधवार को हुए रिहर्सल में यहाँ एयरफोर्स और पुलिस अधिकारियों का जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान सबसे पहले हरक्यूलिस विमान उतारा गया। इसके बाद सुखोई और मिग के साथ अगस्ता हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग हुई। यहाँ दोपहर 2 बजे तक आवागमन को भी बंद कर दिया गया। बाड़मेर जालौर जिले की सीमा अग्रावा में बनी इमरजेंसी हवाई पट्टी वायुसेना के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। 32.95 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस हवाई पट्टी की 3 किलोमीटर लंबाई और 33 मीटर चौड़ाई है। हवाई पट्टी के दोनों सिरों पर 40x180 मीटर आकार की 2 पार्किंग भी बनाई गई है ताकि लैंडिंग के बाद विमानों को पार्क किया जा सके। इसके अलावा 25x65 मीटर आकार की ATC प्लिंथ का डबल मंजिला ATC केबिन के साथ निर्माण किया गया है जो पूरी तरह से वॉशरूम सुविधा युक्त है। इसके अलावा इमरजेंसी हवाई पट्टी के पास 3.5 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है। इस पर 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एयरपोर्ट के अलावा पहली बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी किसी हवाई पट्टी पर उतरेंगे। रक्षा व ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के सहयोग से देश में इस तरह के करीब 12 हाईवे तैयार किए जा रहे हैं। कल रक्षा मंत्री व सड़क परिवहन मंत्री करेंगे उद्घाटन। इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इससे पहले वायुसेना ने बुधवार को रिहर्सल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटी देश की ये पहली हवाई पट्टी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तारबंदी के नजदीक पहला टच एंड गो ऑपरेशन। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी पर 9 सितंबर को करीब 1.5 घंटे तक वायुसेना के बेड़े में शामिल हुई लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ उतारेंगे और उड़ान भी भरेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों के ट्रायल की साक्षी बनेंगे। इस दौरान सुखोई SU-30 मिग और जुगाड़ जैसे लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ आपातकालीन हवाई पट्टी पर लैंडिंग करेंगे। 23 मीटर चौड़ी 3 किलोमीटर लंबी है हवाई पट्टी। बाड़मेर के गांधव में भारतमाला हाईवे NH-925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। इस हवाई पट्टी को बनाने में 32.95 करोड़ रुपए लागत आई है। भारत पाक बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूरी पर यह हवाई पट्टी बनाई गई है। फाइटर प्लेन उतरने से लेकर पार्किंग तक की सुविधा हवाई पट्टी के दोनों सिरों पर 40x180 मीटर की 2 पार्किंग भी बनाई गई है ताकि फाइटर प्लेन को पार्किंग में रखा जा सके। इसके अलावा 25x65 मीटर आकार की ATC प्लिंथ का डबल मंजिला ATC केबिन के साथ निर्माण किया गया है जो पूरी तरह से वॉशरूम सुविधा युक्त है। हवाई पट्टी के सहारे से 3.5 किलोमीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।